So very welcome to my channel. So today we have discussed about the upcoming vacancies in Bihar. आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार में जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो आने वाले टाइम पे आपको बिहार में जितनी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी 2023 में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस वैकेंसी वी ऑल वी स्टार्ट टू प्रिपरेशन ना, हम लोग मिल के सब अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे. तो इसके लिए जो वैकेंसीज है, अभी जो बजट पेश हुआ है बिहार सरकार का बजट 2023, बिहार बजट 2023 में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है. जो जो वैकेंसी आ रही है इसी साल आने वाली, जो आपको दिसंबर से पहले आपका सबका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें देखिए डिटेल से वैकेंसी को देखिएगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे टोटल वैकेंसीज तो बहुत है. हम यहाँ पे सिर्फ मेजर वैकेंसीज की बात करेंगे. जैसे पहला आपका है बीपीएससी के थ्रू, ठीक है. बीपीएससी में टोटल 49,000 वैकेंसीज लिए आ रही है. तो इसमें देखिएगा 49,000 में से आपका 46,000 है वो टीचर, 46,000 प्लस है आपका हेड मास्टर वाले, ठीक है. हेड मास्टर टीचर जो आपका हर एक वैकेंसीज अभी अंडर पेंडिंग है उसके तहत 46,000. इसी बीपीएससी में आपको आएगा लगभग 2,000 सीटें है एई का, ठीक है. एई मतलब इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक, और इसके बाद मैकेनिकल होगा और आपका इलेक्ट्रिकल है. तो ये तीनों कोर ब्रांच का है वैकेंसीज, उसमें 2,000 प्लस सीटें. कितनी सीटें हैं टोटल? 2,000 प्लस सीटें हैं. किसका? एई का, असिस्टेंट इंजीनियर, इसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर. तो इसमें आपका तीनों आएगा, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल. तो तीन ब्रांचेस का टोटल वैकेंसीज है इसमें ये. इसके अलावा इसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो टोटल इसको थोड़ा ट्रेस पेज पे लेके चले जाते हुए, आपका टोटल बीपीएससी के थ्रू कितने वैकेंसीज हैं? आपका है 49,000, ठीक है. 49,000 में से आपका लगभग 44,000 है आपका हेड मास्टर टीचर, जो अंदर प्रोसेस है ये इस वैकेंसीज का, अभी एग्जाम्स होने वाली है. इसके बाद आपका एई का है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है. सब कह रहे हैं 2000, बट आसपास होगा 2000 प्लस, 2000 के आसपास होगा. इसमें से हम श्योर है कि 1200 सीटें हैं आपका सिविल का, ये श्योर है, बाकी का पता नहीं. तो टोटल इसमें देखिएगा तीन ब्रांच का आएगा आपका, मेनली सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल मैकेनिकल और एक आपका आएगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है. एक है आपका इलेक्ट्रिकल, तो ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है. इसके अलावा जो बीपीएससी के थ्रू टोटल है 49,000 में से और वैकेंसीज है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज और आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है. इन दोनों कॉलेज में क्या क्या वैकेंसीज है? एक है आपका लैब असिस्टेंट का, ठीक है, लैब असिस्टेंट, और इसके बाद लैब इंस्ट्रक्टर, ठीक है. तो ये सब वैकेंसीज है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज. बताइए, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 46 आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है. इसका प्रोफेसर और लेक्चरर का वैकेंसीज इसके अंदर प्रोसेसिंग है, ठीक है. और आपका थर्ड इसमें वैकेंसी है वो है आपका फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है. और आपका आएगा इसमें लेक्चरर फॉर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है. तो आप
सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अभी तो चल ही रहा है प्रोसेस, फिर ये वैकेंसीज कहाँ से आ गई। तो आप देखिएगा सीट बढ़ा है बहुत सारे, इंजीनियरिंग कॉलेज में नई न्यू ब्रांच आई है, ठीक है, न्यू ब्रांचेस ब्रांचेस जैसे इसमें आए फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, IoT, इसके बाद है AI, रोबोटिक्स, इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन ना, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस, न्यू न्यू ब्रांचेस आया है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है, तो ऐसे करके तो बहुत सारे वैकेंसीज है। अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए किसी होते हैं सीट सीटें होगा, अगर 60 सीटें हैं कोई भी ब्रांच का, तो उसमें कम से कम 14 चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, 14 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। तो इस हिसाब से वैकेंसीज फिर से इसमें वैकेंसीज आएगी, और जहाँ जहाँ सीट बढ़ा है उसके लिए नया वैकेंसी आएगी। सिमिलरली पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी सब कॉलेज में सब ब्रांचेज नहीं पढ़ाई हो रही थी, जैसे बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी एक दो ही ब्रांचेज थी, वहाँ पे हर एक ब्रांच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका वैकेंसीज आने वाली है लेक्चरर का, फिर से बल्क में आएगा, अच्छा खासा वैकेंसीज है लेक्चरर का, ठीक है, फिर से एक बार वैकेंसीज आएगी। तो ये था आपका BPSC के थ्रू, तो टोटल देखिएगा BPSC के थ्रू जो वैकेंसीज है आपका 49,000 में से यही 3-4 वैकेंसी है। एक है आपका तो हेडमास्टर वाला, दूसरा आपका है AE, फिर आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और लैब असिस्टेंट। ये सब है किसका, BPSC के थ्रू। अब अगला वैकेंसी है PT, किसका है, BTSC, ठीक है, BTSC के थ्रू जो वैकेंसीज है BTSC, ठीक है, इससे जनरली JEE का पोस्ट आता है, JEE की वैकेंसीज इससे फिलअप किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन से। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है इसका नाम, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इसके थ्रू जूनियर इंजीनियर की बहाली होती है, ठीक है। तो इसमें भी 12,000 टोटल सीटें हैं, 12,000 है, इसमें से आपका 8,000 सीटें हैं JEE का, सिविल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग, और कुछ सीटें हैं अमीन का, ठीक है, और बाकी JEE का सीटें होगा मैकेनिकल का, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और एक और लाइन ऑफिसर है कुछ छोटा सा पोस्ट है JEE लेवल का, उसके लिए पोस्ट है। तो आपके इसमें टोटल सीटें हैं इसमें 12,000, तो ये भी एक है। और याद रखिएगा JEE में BTEC को अलाउ नहीं होता है, और इसमें एग्जाम भी नहीं होती है, ठीक है, एग्जाम नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट आपका काउंसलिंग होता है, बेसिस ऑफ द मार्क्स, अमीन का एग्जाम होता है, बट इसमें एग्जाम जनरली नहीं के बराबर ही होते हैं। न्यू इतने न्यू प्रोस्पेक्टर में अगर दे दें एग्जाम्स, इट्स पॉसिबल, बट अभी तक एग्जाम्स नहीं ले रही है, ठीक है। इसके बाद जो अगला वैकेंसीज है आपका बिहार SSC, ठीक है, बिहार SSC में टोटल BSSC जो आपका इसमें 12th पे होता है, ग्रेजुएशन पे होता है, ठीक है, तो इस सब की वैकेंसी टोटल इसमें है 2900। तो इसमें जो आप खासकर जनरल कंपटीशन वाले, जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, इससे पहले जो वैकेंसीज थी टेक्निकल वाले के लिए था, बट ये वैकेंसीज आपको है जनरल कंपटीशन वाले जितनी भी है उसके लिए भी SSC के तहत। टोटल सीटें आ रही है कितने, 2900, ठीक है, 2900 वैकेंसी ठीक ठाक है। आप इसके लिए रेडी रहिए, फॉर्म फिलअप होगा, अपना भरिए और प्रिपरेशन करिए और सेलेक्ट होइए। तो ये इतना वैकेंसीज है आपका BPSC, BTSC और BSSC के थ्रू। इसके अलावा भी वैकेंसी जो है अब है टीचर्स के लिए, जो जो BEd किए हुए हैं उनके लिए है, जो प्राइमरी टीचर है, ठीक है, प्राइमरी टीचर की टोटल वैकेंसी जो आने वाली है वो है 48,762, ठीक है। इसके बाद है मिडिल स्कूल टीचर, ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी आने वाली है 58,086। और जो ये मिडिल स्कूल टीचर, ये फिजिकल टीचर के लिए वैकेंसी है, ये है फिजिकल टीचर, ठीक है, फिजिकल टीचर। तो फिजिकल टीचर की वैकेंसीज कितनी है आपका,
5886। इसके बाद ये देखिएगा 48,000 है, ये 58। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं 8 से लेके 10 प्लस 2, ठीक है, 10 प्लस 2 के लिए टीचर की वैकेंसी है। टीचर इसमें टोटल वैकेंसीज है आपका 89,734, इसमें टोटल कितने हैं 89,734। उसके बाद है आपका प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज है इसमें है आपका टोटल 40,506 सीटें। इसके बाद है प्लस टू, प्लस टू प्रिंसिपल की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की इसमें टोटल पोस्ट है 6,681। याद रखिएगा बिहार में टोटल 8,000 पंचायतें हैं, हर एक पंचायत में एक 10th स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पे 10वीं तक की पढ़ाई होने लगी और उसी में 10 प्लस 2 की भी पढ़ाई होती है, इसीलिए पहले से होगा और 6,000 न्यू वैकेंसीज है। इसके बाद है आपका इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, देखिए यही वैकेंसी है, इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो वैकेंसीज हैं वो है आपका 3,000। तो यही 3,000 में आपको दोनों चीज़ें क्या क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और लैब असिस्टेंट। तो 3,000 टोटल वैकेंसीज कितनी आने वाली है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3,000 दो वैकेंसी फिर से, तो आपको इसमें तीनों चीज़ रहेगा, इसमें आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और आपका लैब असिस्टेंट, तीनों हैं, तो याद रखिएगा ये बातें। तो यहाँ पे भी वैकेंसीज टोटल कितने हैं 3,021, और टोटल को ऐड करिएगा आप, तो टोटल को ऐड करने से आपका ये वैकेंसीज हो जाती है लगभग 2 लाख के आसपास, कितने 2 लाख प्लस, ठीक है, 2 लाख प्लस वैकेंसीज हो जाती है। ये था आपका स्कूल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। देखिए पहला था आपका आयोग से रिलेटेड कि किस आयोग से कितनी वैकेंसीज आ रही है, और ये आपका है टोटल एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन के सेक्टर में कितनी वैकेंसीज है। लास्ट है आपका दो और वैकेंसीज है, एक है पुलिस, ठीक है, पुलिस में जो टोटल वैकेंसीज है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें टोटल वैकेंसीज आपको आने वाली जो है वो है 75,000 के आसपास, 75,543, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज हैं आपका 75,000। इसमें आपका बिहार पुलिस भी होगा, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस भी होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसी है आपका दरोगा का, बिहार दरोगा का है, दरोगा की भी वैकेंसी है, ठीक है, दरोगा की भी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज कितनी है 75,543। तो ये है आपका पुलिस का। इसके लास्ट है आपका हेल्थ का, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें है आपका ANGNN होता है, ठीक है, इसकी वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी है आपका ANMM 10,550। टोटल कितनी है 10,550 वैकेंसीज है आपका ANN और GNN, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल वैकेंसीज है इसका, जो इस साल बिहार में टोटल वैकेंसीज आने वाली, टोटल वैकेंसी ऐड करिएगा लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एग्जाम्स का प्रिपरेशन करके आए थे, कोई जनरल कम्पिटिशन हो, इंजीनियरिंग हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टेक्निकल एंड टेक, जहाँ पे भी आप जो है आप अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए, ठीक है। वैकेंसीज आएगी आप, चूँकि यहाँ पे एक बिहार की प्रॉब्लम्स ये है कि कैलेंडर के हिसाब से कोई भी वैकेंसीज नहीं आती है, तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर्म आएगा तब पढ़ लेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सिलेक्शंस में, तो इसी में सिलेक्शन की उम्मीद कम रहती है। इसीलिए आप पहले से प्लानिंग करके पढ़िए, जिस एग्ज़ाम्स के लिए आपको पढ़ना है तो उसमें आप
पहले से लग जाइए, तो ताकि क्या होगा कि जब भी वैकेंसीज आएगी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है आज का वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड। अगर कोई और अपडेट होगा, ठीक है, और देखिए इसके अलावा एक और वैकेंसीज मेरे माइंड में आ रही है, वो है आपका मेडिकल हेल्थ सेक्टर का ही है। उसमें 3 पार्ट में वैकेंसीज आने वाली है, देखिएगा ये, और ये वैकेंसीज बहुत जल्दी में हो जाएगा। जो आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी कोर्स कंप्लीट किए हैं, जैसे MBBS हो, पैरामेडिकल हो, BSc नर्सिंग हो, ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसीज है। जो आपका इसमें लाइव असिस्टेंट, जो मेडिकल की बात करें, मेडिकल कॉलेज में लाइव असिस्टेंट का मेडिकल कॉलेज में टोटल पोस्टें हैं आपका 1772 लेके आ रही है। इसके बाद है एक होता है सल कक्ष, ठीक है, सल कक्ष सहायक, सल कक्ष का सहायक की टोटल वैकेंसीज लेके आ रही है 1096। इसके बाद मेजर है, एक और वैकेंसीज है आपका फाइलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया कीट के, इसके रोकथाम के लिए जो उसमें पोस्ट क्रिएट किया गया वो टोटल 53 है। और एक और है आपका स्वास्थ्य निरीक्षक, ठीक है, इसमें आपका टोटल पद है आपका 29। टोटल यहाँ से देखिएगा टोटल वैकेंसी आपका लगभग 3000, यहाँ से भी वैकेंसी 3000 प्लस वैकेंसीज आ रही है। तो ये हेल्थ सेक्टर में, उधर भी था वैकेंसीज आपको और इधर भी आपका वैकेंसीज है, टोटल अच्छा खासा वैकेंसी है। ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी देखिएगा तो अच्छा खासा वैकेंसी है। पहले देखिए यहाँ पे 10,000 है, 10,000 और 3,000 इधर से लेकर आ रही है, तो टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट में कितना है आपका 13,000 प्लस वैकेंसीज है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो जो भी आप हेल्थ डिपार्टमेंट के ऐसे जैसे MBBS किए हुए हैं उनके लिए तो चल ही रहा है, प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट अंदर प्रोसेस है। आप जो ANN, NM या GNM या BSc नर्सिंग, ठीक है, BSc नर्सिंग किए उन लोगों के लिए वैकेंसीज है आप लेके, पैरामेडिकल किए हुए हैं तो ये लोग आप लोग ले सकते हैं। यही था आज का वीडियो, ठीक है। टोटल बिहार में सरकारी जॉब्स कितनी आ रही है, उससे रिलेटेड कौन से आयोग कितने जॉब्स निकाल रहे हैं, उसके रिलेटेड ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन से कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।